हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल झाड़ट्यूटोरियल। झाड़ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एक्सरसाइज 3B का 7th नंबर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 6th नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था, और उससे आगे वाले सारे क्वेश्चन को हम लोग मतलब इससे पीछे वाले सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? लेट क्यू प्लस बी द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रैशनल नंबर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि सो दैट द ऑपरेशन ऑन स्टार ऑन क्यू प्लस such that they are defined by a star b is equal to half a plus b। ये क्या है? ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं? सबसे पहले स्टार किस पे डिफाइंड है? ये डिफाइंड है q प्लस पे। अच्छा, q प्लस क्या है? q प्लस है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो अगर a भी q प्लस से बिलोंग करेगा, यानी a भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा, बी भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अगर हाफ ए प्लस बी भी सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर से बिलोंग कर गया तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम लोग मानते हैं कि ए भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है, लेट ए भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है और बी भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है। अब हम लोग को प्रूफ करना है कि हाफ ए प्लस बी भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है, ताकि हम लोग प्रूफ कर पाए कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ए भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है, बी भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है, तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा। भाई 2 क्यू प्लस से बिलोंग करता है, 3 क्यू प्लस से बिलोंग करता है, 3 प्लस 2 5 भी तो क्यू प्लस से बिलोंग करता है, तो ए प्लस बी भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है। अगर ए प्लस बी भी क्यू प्लस से बिलोंग करता है तो ए प्लस बी बाई 2 भी क्यू प्लस से बिलोंग करेगा। तो हाफ ए प्लस बी भी क्यू प्लस से बिलोंग कर गया। इसका मतलब स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन किस पे? Q प्लस पे। ठीक है, अब इसका सेकेंड पार्ट देखते। सेकेंड में क्या कह रहा है कि सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव। अच्छा, कम्यूटेटिव शो करना है। तो मान लेते हैं ए बी जो है वो Q प्लस से बिलोंग करते हैं। वो कहीं कहीं मैं ये लिखना भूल जाता हूँ, कहीं कहीं मैं लिख भी देता हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ऐसा एग्जाम में लिखना है तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर ए बी Q प्लस से बिलोंग करता है तो बाइनरी ऑपरेशन ए बी पे डिफाइन होगा, तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा? हाफ ए प्लस बी। अच्छा, ए स्टार बी हाफ ए प्लस बी हो गया, तो बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए क्या होगा? हाफ बी प्लस ए। हाफ बी प्लस ए को हम लोग लिख सकते हैं हाफ ए प्लस बी। भाई 1+3 लिखो चाहे 3+1 लिखो, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। देखो, इसका मतलब ए स्टार बी बी स्टार ए बराबर है, ए स्टार बी बी स्टार ए बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्टार कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, अब चलते हैं इसी के थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सो दैट स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव नहीं है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि स्टार एसोसिएटिव नहीं है? सबसे पहले तुम लोग ये मान लेते हैं ए बी सी तीनों क्यू प्लस से बिलोंग करता है, और बाइनरी ऑपरेशन क्या था? बाइनरी ऑपरेशन था ए स्टार बी इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी। तो ए स्टार बी स्टार हम लोग निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा? देखो, बी की जगह बी प्लस सी बाई 2 है, तो इस इक्वेशन हम लोगों को पुट करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ए प्लस बी की जगह बी प्लस सी बाई 2, बी प्लस सी बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हाफ ये क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू 2, 4। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग ए स्टार बी स्टार सी। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ए प्लस बी स्टार सी। अब देखो ए की जगह क्या है? ए की जगह है ये हाफ ए प्लस बी, और बी की जगह क्या है? ये सी। तो हम लोग उस पर पुट करते हैं। अच्छा, ए स्टार बी क्या था? हाफ ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ए प्लस बी, यानी ए ये है बी ये है, तो हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2c अब बाई 2। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस 2c बाई 4। क्या ए स्टार बी ए स्टार बी स्टार सी बराबर है ए स्टार बी का स्टार सी? बिल्कुल नहीं, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी बिल्कुल बराबर नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि स्टार एसोसिएटिव बिल्कुल नहीं है। अब देख लेते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगले पेज पे। तो 8th नंबर क्वेश्चन मैं हम लोगों से क्या कह रहा है कि लेट क्यू बी द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, डिफाइन एन स्टार ऑन क्यू माइनस माइनस 1। ठीक है,
बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किस सेट पे, क्यू माइनस माइनस वन यानी ऑल रेस्ट ऑफ नंबर एक्सेप्ट माइनस वन पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी। अब आगे आपको पहले वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सो दैट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन क्यू माइनस माइनस वन यानी स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑल रेस्ट ऑफ नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। तो हम लोगों को बताने का सबसे आसान तरीका था कि अगर ए भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग करे और बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग करे तो ये वाला चीज जो है यानी ए प्लस बी प्लस ए बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर जाए तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन पर। हम लोग मान लेते हैं कि ए जो है वो बिलोंग कर जाए रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन पे, बी जो है वो भी बिलोंग कर जाए रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन पे। हम लोग को प्रूव करना है कि ये भी बिलोंग कर जाए रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन पे। तो देखो अगर ए भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है, बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है, जाहिर सी बात है ए प्लस बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है। आप फिर ले लो कोई भी दो नंबर पुट करके, कोई भी दो रेशनल नंबर पुट करके एक्सेप्ट माइनस वन। अब देखो अगर ए भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है, बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है तो ए भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर देखो ए प्लस बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है और ए भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है तो अगर दो नंबर रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर रहा है तो दोनों का सम भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग करेगा। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस ए बी भी रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग कर जाएगा। अब देखो ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है किस पे, ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, ठीक है। अब देख लेते इसका सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट ने क्या पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट सो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव ऐसा शो करो, ठीक है भाई। पहले तो मान लेते हैं ए बी जो है वो रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से बिलोंग करता है तो ए स्टार बी क्या हो जाएगा भाई, ए स्टार बी क्या है देखो ए प्लस बी प्लस ए बी, अच्छा बी स्टार ए क्या हो जाएगा देखो बी प्लस ए प्लस बी ए, ठीक है ए की जगह बी है, बी की जगह ए इस पे पुट कर दो ये आ जाएगा। अच्छा इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं, इसको ए को इधर ले जाते हैं, बी को इधर ले जाते हैं और बी ए को हम लोग ए भी लिखते हैं, तो क्या ये दोनों बराबर है, हाँ जाहिर सी बात है ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर है, इसका मतलब स्टार कम्यूटेटिव है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे अगले पेज में, तो थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि सो दैट स्टार इज एसोसिएटिव, स्टार एसोसिएटिव ऐसा भी आपको शो करना है। सबसे पहले तो मानते हैं ए बी सी तीनों बिलोंग करेगा q माइनस माइनस वन पे और बाइनरी ऑपरेशन क्या था, बाइनरी ऑपरेशन था a स्टार b इज इक्वल टू a प्लस b और प्लस ए बी, यही था बाइनरी ऑपरेशन। चलो अब निकालते हैं हम लोग a स्टार b स्टार की सबसे पहले, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्टार, देखो a की जगह b है और b की जगह c है तो ये हो जाएगा b प्लस c प्लस बी सी। अब a स्टार b प्लस c प्लस बी सी कैसे निकालेंगे, देखो B, अब देखो इसको इससे कंपेयर करो, ए की जगह तो ए है लेकिन बी की जगह ये वाला पूरा टर्म है, यानी इस एक्सप्रेशन में जहां जहां बी है वहां वहां ये वाला पूरा टर्म डालेंगे, यानी ए प्लस ये वाला पूरा टर्म बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए इंटू बी की जगह ये वाला पूरा टर्म यानी बी प्लस सी प्लस बी सी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, यहां से कितना ए बी, यहां से कितना ए सी, यहां से ए बी सी। थोड़ा अच्छे से इसको लिख लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, बाद वाले को अच्छे से लिखेंगे। अब बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, बाद में हम लोग निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी प्लस ए बी स्टार सी। अब देखो फिर से इसको इससे कंपेयर करो तो ए की जगह क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी और बी की जगह क्या है सी, यानी इसमें जहां जहां ए का जिक्र है वहां वहां ये वाला पूरा टर्म डालेंगे ए प्लस बी प्लस ए बी और जहां जहां बी का जिक्र है वहां वहां हम लोग सी डालेंगे। तो सॉल्व करते हैं ये क्या हो जाएगा, ए यानी ए प्लस बी प्लस ए बी, ए की जगह ये पूरा टर्म, बी की जगह सी। अच्छा यहां पे ए की जगह ये वाला पूरा टर्म और बी की जगह सी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू सी। और सॉल्व कर लेते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी प्लस सी, अच्छा प्लस प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी। अच्छा इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ए प्लस बी सी को इधर ले आते हैं सी, बी सी को इधर ले आते हैं बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। क्या ये और ये बराबर है, हाँ बिल्कुल बराबर है, यानी कि ए स्टार बी स्टार सी
ये बराबर है ए स्टार बी स्टार सी के, यानी कि स्टार एसोसिएटिव है। चलिए अब चलते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू इन ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन फोर स्टार, यानी कि हमको प्रूफ करना है कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसके लिए, ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन के लिए, किस पर स्टार, मतलब किसके लिए स्टार के लिए, किस पर ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन के लिए। तो कंडीशन क्या होता है, अगर हम लोग मान लें कि ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, मैं ये सब कभी कभार इसलिए देता हूं ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे, आपको ऐसे ऐसे लिखना है आंसर। तो कंडीशन क्या होता है, कंडीशन होता है ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए, कंडीशन ये होता है। अगर ऐसा कंडीशन है तो अब ए स्टार ई क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, यहां मैं लिख देता हूं साइड में, ए स्टार बी क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी, तो यहां बी की जगह क्या है ई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस ए ई, ये क्या हो जाएगा, यहां देखो ए की जगह है ई, बी की जगह है, ए की जगह है ई और बी की जगह है ए, ये हो जाएगा ई प्लस ए प्लस ई ए, और ये बराबर है ए के। किसी भी दो इक्वेशन को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं, इसको इसको कंपेयर करते हैं, तो ए प्लस ई प्लस ए ई इज इक्वल टू ए। ये तभी पॉसिबल है जब ई जीरो, देखो यहां जीरो, ये जीरो हो जाएगा और ए इंटू जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, यानी कि ए बराबर ए हो जाएगा, यानी कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा किस में, ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, किसके लिए, स्टार के लिए। ठीक है अब चलते हैं अपने फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला पार्ट फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, हम लोगों को शो करना है कि ए इनवर्स ये बराबर है माइनस ए बाय वन प्लस ए के। तो देखो इनवर्स निकालने का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन ऑन ऑल रेशनल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन। तो ये सब आप लिख लेना। कंडीशन क्या होता है, बेसिकली कंडीशन होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, अगर ऐसा है तो बी ए का इनवर्स होगा। तो ए स्टार बी सबसे पहले है क्या, ए स्टार बी था हमारे पास ए प्लस बी प्लस ए बी, तो यहां पुट करते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी। अच्छा ई क्या निकला था हमारा, जीरो। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर इसको हम लोग बी प्लस ए बी को साइड ले जाएं तो हो जाएगा माइनस बी प्लस ए बी। अच्छा इसमें से अगर हम लोग माइनस को इस साइड ले जाएं तो माइनस इधर बी प्लस ए बी। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, बी को कॉमन ले लेते हैं तो वन प्लस ए हो जाएगा, बी को कॉमन लिए वन प्लस ए हो जाएगा, वन प्लस ए को इस साइड ले आते हैं तो माइनस ए बाई वन प्लस ए हो गया। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया माइनस ए बाई वन प्लस ए, यही तुम लोगों को प्रूफ करना था, क्योंकि बी क्या था, ए इनवर्स, हम लोगों ने क्या माना था कि बी ए का इनवर्स है, तो ए इनवर्स हो जाएगा माइनस ए बाई वन प्लस ए। अपने वर्डिंग में लिख लेना, कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।